हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज जो मैं शेयर लेके आया हूँ वो है आपके सामने पीसी ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स में आजकल इन दिनों बहुत ही हंगामा मचा हुआ है और वापस ये किसी एक ट्रेंड को लेकर के, पॉजिटिव ट्रेंड को लेकर के ये अप डाउन हो रहा है। तो आप देखेंगे, लास्ट डे भी देखेंगे पीसी ज्वेलर्स में, देखिए यहाँ पे सेंटिमेंट पीसी ज्वेलर्स में 81% बाय की जनरेट हो रही है। तो आप पीसी ज्वेलर्स में कहीं पर भी देखेंगे तो अभी बहुत ही 52 वीक 46.85 बनाने के बाद ये मतलब समझिए कि ये वापस 90 तक कल का हाई लगा दिया और 600 से गिरता हुआ आ रहा था। अच्छा खासा इसमें गिरावट देखने को मिला था, 600 से ये गिर रहा था। तो कल देखेंगे तो 74 से 90 का कल अच्छा खासा गेन बनाया और इसने कल अच्छे खासे रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा है, जो इसके सारे डेमो है। अगर वीकली डेमो को, सारे वीकली डेमो को बोले तो ये जो है ये सारे डेमो को तोड़ के निकलते हुए जा रहा है। तो डेली बेसिस पे तो इसने अच्छा परफॉर्मेंस देना चालू किया है और अभी देखिए तो ये हो सकता है कि कुछ और आपको परफॉर्मेंस अच्छे की ओर दिखा रहा है। लेकिन ये लॉलीपॉप से ज़्यादा कुछ मुझे और दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। डिलीवरी परसेंटेज एक सबसे बड़ा वीक है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखता है कि डिलीवरी परसेंटेज क्यों कम है। अगर इसमें इतनी बाइंग है तो डिलीवरी परसेंटेज बढ़ना चाहिए, 5-8% नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो शेयर इतने वॉल्यूम से गिरा है, एक बैक सेंटीमेंट इसका दीपावली के समय ही क्यों बढ़ गया? अभी इतने दिन पहले थे, अगर रिजल्ट आ रहे थे तो क्यों नहीं बढ़ रहा था? तो ये सब चीज़ों को लेकर के मुझे डाउट है कि इसमें कोई भी परसेंटेज अभी अभी बाइंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लेना है तो ले सकते हैं, 107-108 तक इसका अच्छा खासा जा सकता है। तो अभी भी जहाँ से क्लोजिंग हुआ 90 से, यहाँ से भी आपको 10-12 रुपये मिल सकता है, 20 रुपये भी मिल सकता है, 108 तक 107 तक जा सकता है। ये मेरा कोई ऐसा नहीं है, अपना ओपिनियन है, भविष्यवाणी है, ये चार्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर आप इसके मंथली चार्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे ये जो 2 महीने के इस लेवल को उसको क्रॉस करते हुए, सितंबर अक्टूबर ये दोनों को क्रॉस करते हुए ये एक नए हाई की ओर जा रहा है। तो इसने सितंबर अक्टूबर दोनों को कवर किया है। और अगर ये आपका क्या कहते हैं, जस्ट मिनट, और अगर आप इसको देखें, यहाँ पे देखें तो ये 137 का हाई बनाया था। अगर ये 137 क्रॉस करता है तो और भी अच्छा खासा यहाँ, लेकिन इसके पहले इसको 109 क्रॉस करना पड़ेगा। ये जो अगस्त अगस्त का है कि सितंबर के क्रॉस कर दिया, सितंबर में इसका जो बना था 94, तो 90 दिखा दिया, 84 का था तो वहाँ से हो गया, 84 का हो चुका है। तो 84 के बाद ये अभी आपको जो देखने को मिल रहा है वो 91-90 के आसपास दिख रहा है। अगर ये 109 के हाई को क्रॉस करता है तो आप यहाँ समझिए कि इस पोर्शन को भी क्रॉस करके वो आगे निकलेगा, जो कि चांसेस है ये क्रॉस कर सकता है। अब यहाँ पे इसको मैन फ्रस्ट्रेशन होगी, जिसमें 139 का हाई बनाया था, और अगर ये भी कवर करता है तो और भी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस आएगा, 139 के बाद 169 का लेवल आ जाता है। तो इतना जल्दी ये यहाँ से 169 नहीं पहुँचेगा। मोस्ट वाली आपको 109 पे रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, 109 के बाद वापस आपको 139-140 के आसपास प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ये 2 लेवल है जहाँ से इसको क्रॉस करता है तो फिर वो आप देखेंगे। इसके अगर वीकली चार्ट को भी देखें तो आप देखें यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग दिया हुआ है। ये 107-108 यहाँ पे, यहाँ से जो गिरा था 118 था, 118 से सीधा गिर के यहाँ पे आया था, 107 पे खुला था। तो 118 से 107 में गैप अप है, तो इस गैप अप को भी क्लोज करना पड़ेगा इसको यहाँ पे, तो ये भी क्लोज करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को देखें तो हमें लगता है कि इसमें पोर्शन हम बाद में 107-108 के पास रेसिस्टेंस है। इसमें बाइंग नहीं पोजीशन आप कुछ भी मत बनाइए, जो भी बनाना है आप इसको थोड़ा सोच समझ के बनाइए। मंडे के शॉर्ट टर्म के लिए आपको लेना है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इसमें पोजीशन बना करके आप रख सकते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में आपको देखना है कि डिलीवरी लेके रखना है कि नहीं रखना है, तो देखिए बाइंग क्वांटिटी देखिए 39,000 का है। अब कल का ही देखेंगे तो यहाँ पे 19 रुपये का गेन दिखाया है, 19 रुपये का गेन दिया है, 27% का अप्रोक्स गेन यहाँ पे आया है, तो 88 पे क्लोजिंग हुआ है। तो अच्छा खासा गेन कल, 19 रुपये का गेन समझते हैं आप, 27% का गेन। तो हो सकता है मंडे को ये वापस 27% का गेन आपको दिखाएगा, लेकिन आप बोलेंगे मैं बाइंग रिकमेंडेशन कर रहा हूँ तो हरगिज नहीं कर रहा हूँ। मंडे को ये वापस हो सकता है, आज है 3/11 और मंडे है 5/11, 5 नवंबर है, तो 5 नवंबर को हो सकता है या आपको वापस 27% का गेन दिखाए। लेकिन जैसा आपको मैंने बताया 107-109 पर रेसिस्टेंस है, वहाँ से वो नीचे वापस ले सकता है। और वापस वो एक बार जो गैप अप इस बार जो बनाया था उसने डेली चार्ट पे, तो आपको देखेंगे डेली चार्ट पे जब ये गैप अप बनाया था तो 70 पे गैप अप बनाया था, 70 के आसपास यहाँ पे गैप अप बना करके ये गया हुआ है।
तो हो सकता है यहाँ पे जो गैप अप इसने ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बनाया था इसने 72 हाई 72 बनाया, उसकी ये क्लोजिंग जो थी 69 पे थी और उसके बाद सीधा यहाँ पे 77, ये जो गैप अप बनाया वहाँ तक आपको तो वापस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो वापस वो एक बार आपको यहाँ पे 69 70 के आसपास इस लेवल पे आकर के आपको 69.40 के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पे फिर से चाहें तो एक बार पोजिशन अपना देख सकते हैं, और यहाँ पे ये जो लेवल है यहाँ पे आप देखिए 69.28 के आस यहाँ पे, और इसमें देखिए एक यहाँ पे जो लेवल है तो ये आप देखेंगे तो एक इस लेवल पे देखिए यहाँ ये दोनों लेवल पे यहाँ से सीधा गैप अप लिया था इसने, तो ये अच्छा खासा गैप है, तो इस गैप को भरने के लिए वापस वो आएगा तो यहाँ पे आ सकता है, इसलिए मैंने बोला इस गैप अप को भरने दीजिए। और मैं आपको हर चार्ट पे भी दिखा सकता हूँ कि अच्छी खासी रेसिस्टेंस, अगर हम चलिए इसके वीकली एवरेज को बोले तो डेली वेजे अगर वीकली बेसिस पे भी देखेंगे तो आप 20 डेज का जो डेमा है वो 101 है, तो एक बार इसको क्रॉस करने दीजिए 101 105 107 के आसपास जो रेसिस्टेंस है, मैंने आप 107.8 क्रॉस कर लेने दीजिए, अगर वीकली बेसिस पे यहाँ पे डेमा देखेंगे तो 101 आता है, इसको क्रॉस करने दीजिए। अगर डेली बेसिस पे देखते हैं तो डेली बेसिस पे आता है ये, डेली बेसिस पे 50 का जो आता है ये 72 क्रॉस कर चुका है, 100 का डेमा 107 पे। अगर करंट आप देखेंगे डेली बेसिस पे तो 107 आ रहा है, वही आ रहा है 107 जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये चार्ट पे दिखाया था कि आपको यहाँ पे गैप अप जो है 107 का है, यहाँ पर इसी चार्ट में जो वीकली बेसिस पे यहाँ पे जो 107 का आपको बताया था ये वाला गैप अप जो था जो वीकली बेसिस पे बनाया था, तो आप जो वो गैप अप देखे थे वही गैप अप पे अभी यहाँ पे काम कर रहा है। तो हो सकता है कि आपको ये क्रॉस कर जाए तो फिर आपको अच्छी खासी पोजिशन बना सकते हैं। अगर आप स्टॉक ऑप्शन चेन में भी देखें, ऑप्शन चेन में जाएं, अगर किसी को ऑप्शन के चेन के थ्रू देखना है तो आप हाईएस्ट पोजीशन 100 रुपये पे बन रही है, तो 100 रुपये का आप कॉल ले सकते हैं जो कि आपको 8.35 रुपये पे मिलता है, वन डे के लिए है सिर्फ ये। यहाँ से आपको अगर 107 जाता है तो आपको 2-3 रुपये का गेन हो सकता है, 1700-1500 का लॉट है, तो आप यहाँ पे 100 रुपये का लॉट लेके ऑप्शन से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि 107 जाएगा तो ही आपको पोजीशन बनानी है, अदरवाइज नहीं बनानी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 10,30,000 का 100 पे है, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, अदरवाइज वापस आप देखें तो कॉल साइड में ही जो है 15,99,000 और 12,78,000 यहाँ पे है। हाँ, चूँकि यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है पोजीशन को और यहाँ पे वापस आ रहा है 120-140 के आसपास आ रहा है, तो आप चाहें तो ये सस्ते में मिल रहा है 140 का। अगर आपको लगता है रिस्की ट्रेडर है तो 140 का पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं, अगर आपको रिस्क लगता है कि इसमें बढ़ सकता है तो आप 140 का पेपर ट्रेडिंग करके भी देख सकते हैं जो कि आपको सिर्फ 2.70 रुपये में मिल जाएगा। ये सारा पेपर ट्रेडिंग के लिए है और ये फाइनेंशियल एडवाइजर कि आपको लेना है अगर पोजीशन बनाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही बने। नीचे दिए हुए बटन को सब्सक्राइब करें, लोगों को फॉरवर्ड करें, कमेंट डालें, अच्छा लगे और लोगों को भी जिसकी ज़रूरत होगी इसकी पीसी ज्वेलर्स की अब तो वो भी ले सकते हैं। ये पीसी ज्वेलर्स 88.5 जो चल रहा है 2 नवंबर का है और ये 29 नवंबर के कॉल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अभी ट्रैप मत रहिए। और अगर आप बहुत ही रिस्की ट्रेडर हैं तो एक बार या तो आप करंट लेवल पे जो 100 पे सबसे ज़्यादा कॉल बन रहा है 100 पे बन रहा है आप 8.35 रुपये पे आपको मिल रहा है वो लीजिए बनाइए, अदरवाइज कम रिस्की ट्रेडर लेना चाहते हैं तो आप 140 पे 120 पे बनाइए, और ये 140 बने जो 4.35 रुपये पे है और यहाँ पे देखेंगे ऐड हुआ ओपन इंटरेस्ट 3,52,000 2,53,000, तो इसको भी रिस्क लेकर के आप देख सकते हैं। धन्यवाद, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।